हेलो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसका नाम है स्टाई, STYLE। स्टाई का नाम पहले भी आपने सुना होगा, इसको हिंदी में गुहेरी कहते हैं, कुछ लोग लोकल लैंग्वेज में इसको ग्योरी भी कहते हैं। अब एक्चुअली ये होती कहाँ पर है और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके लिए बेस्ट जो होम्योपैथी की दवाएं हैं वो क्या क्या हैं, तो मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। अगर हमारे वीडियो आपको ठीक लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टाई एक्चुअली आंख का जो आईलेस वाला पार्ट होता है, जो पलक के बाहर हेयर होते हैं, हेयर के पास में आपने छोटी छोटी फुंसियां कभी देखी होंगी, कुछ नोट्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है और कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये है एक स्टाई, एक क्या है सेबेसियस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है। सेबेसियस ग्लैंड जो आंख के ऊपर, पलक के ऊपर और जो आईलेस के पार्ट के पास में जो सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं, उनमें यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जनरली बैक्टीरियल ही होता है, तो फिर इनमें ये लक्षण आने लगते हैं, पेन है, स्वेलिंग है, इडिमा है, कंजक्टिवाइटिस है। तो यदि जो सेबेसियस ग्लैंड है वो आईलेस के पार्ट के बाहर वाले पार्ट में जो सेबेसियस ग्लैंड होती है उनको ग्लैंड ऑफ मोल कहते हैं, और जो सेबेसियस ग्लैंड आईलेट के इंटरनल साइड में होती हैं उनको ग्लैंड ऑफ टार्सल या ग्लैंड ऑफ मीबोनियन कहते हैं। तो प्रॉब्लम जब होती है कि एक स्टाई होती है तो ठीक है, एक ठीक हो जाती है पक्के, लेकिन किसी किसी को रिकरेंट बार बार होने लगती हैं और कई होती हैं, तब प्रॉब्लम होती है कि आंख के अंदर इतना पेन होता है, एक ठीक नहीं होती है और दूसरी स्टाई हो जाती है, और कभी कभी ये नोड्यूल का फॉर्म ले लेते हैं, और कभी कभी जब सेबेसियस ग्लैंड का माउथ ओपन नहीं होता है तो ये एक नोड्यूल बना लेते हैं और कई मंथ तक ये नोड्यूल एक ही स्थिति में एक ही जगह बनी रहती है। तो नोड्यूल का साइज भी बढ़ता जाता है। एक्चुअली इस नोड्यूल के अंदर चीजी मटेरियल जो सेबेसियस ग्लैंड का सीबम होता है वो इकट्ठा होता जाता है और ये नोड्यूल का साइज काफ़ी बढ़ता जाता है और देखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टाई है यदि ये इनिशियल स्टेज में अपन ठीक कर लेते हैं तो फिर ये आगे नहीं बढ़ती है और बहुत सी समस्याएं आपकी नहीं होती हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथी की दवाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा दवाएँ नहीं बताता हूँ, हमारे चैनल पर फालतू बकवास नहीं होती है, सिर्फ दो दवाएं मैं आपको बता रहा हूं। एक दवा का नाम है पल्साटिला, पल्साटिला, और दूसरे दवा का नाम है स्टेफिसेग्रिया। पल्साटिला और स्टेफिसेग्रिया 30 या 200 पोटेंसी में आप लेते हैं, 2-3 डेज में ये ठीक हो जाती हैं और इनको कंटिन्यू 1 वीक या 2 वीक तक मेडिसिन लेते रहने से ये बीमारी फिर रिकरेंसी इसकी नहीं होती है। तो आपको इस इन जो स्टाई आपको बहुत होती हैं या बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ देती हैं ये दवाएं, और दिन में 4-5 टाइम्स आप यदि लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप हाफ कप ऑफ वाटर में डालकर दोनों दवाओं को दिन में 4-5 टाइम ले सकते हैं। यदि आप ग्लोब्यूल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 6-6 ग्लोब्यूल दिन में 4-5 टाइम लेने से 2-3 डेज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।